लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का वीडियो नंबर है 6। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 6 फॉर बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथ एंड पीजीटी मैथ के लिए, जो प्रवक्ता के एग्ज़ाम में आया करता है। तो इसमें बात करने वाले हैं इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसकी डेफिनेशन है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यू एफ इंटू बी एफ इज कॉल्ड इनवर्टिबल या रेगुलर। इनवर्टिबल को रेगुलर भी कहते हैं, ठीक है, इनवर्टिबल या रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इनवर्स, इसको कह सकते हैं कार्ड द इनवर्स ऑफ टी, टी इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ टी कहा जा सकता है फ्रॉम बी एफ एंड इनटू यू एफ सच दैट कार्ड द टी इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, फ्रॉम बी एफ यानी वेक्टर स्पेस एफ को इनटू यू एफ के लिए सच दैट टी इनवर्स इंटू टी इज द आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी इनवर्स उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, देन टी इनवर्स इंटू टी इज द आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन टी इनवर्स इंटू टी इज द आइडेंटिटीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन यू एंड टी इनवर्स इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बी, आइडेंटिटीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बी, ठीक है ना। देखिएगा टी इनवर्स टी इज द आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन यू एंड टी इनवर्स इज द आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बी, ठीक है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है ऑन ए वेक्टर स्पेस यू इंटू बी एफ, यू का बी में इस कार्ड द इनवर्टिबल या रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इनवर्स फ्रॉम बी एफ यानी वी टू यू, यानी बी एफ यानी कि वेक्टर स्पेस ऑफ फील्ड एफ है जिसका, एंड यू एफ यानी कि यू इज द वेक्टर स्पेस एंड फील्ड एफ है, सच दैट टी इनवर्स टी इज द आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन यू एंड टी इनवर्स इज द आइडेंटिटीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर छूटा है यहाँ भी होना चाहिए आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बी, ठीक है। तो ये कंडीशन है इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इफ टी इज, अब बात आती है टी इज इनवर्टिबल, तो इसमें दो कंडीशन लाई करती हैं इफ एंड ओनली इफ। नंबर वन, टी इज वन 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 टू वन, टी इज वन वन, दूसरी होगी टी इज ऑन टो, ठीक है, टी इज वन वन हो एंड टी इज ऑन टो। तो ये थी कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। बट द इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो चुकी है, अब इस पर डिपेंडिंग कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ही कोई थ्योरम से मान लिया लेट यू एंड बी वी वेक्टर स्पेस, दो वेक्टर स्पेस हैं, वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ एंड लेट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from U into B, if T is invertible, then
टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी एम टू यू. टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. टी इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी इंटू यू. ठीक है, तो ये थ्योरम है. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यू एंड पी, यू एंड वी द वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, यानी एक ही फील्ड में है. ठीक है, यू एंड वी द वेक्टर स्पेस, दो वेक्टर स्पेस है और एक ही उनका फील्ड है. ठीक है, फील्ड क्या है, एफ है. एंड लेट टी वी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इन बी. ठीक है, यानी कि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. इफ टी इज द इन्वर्टिबल देन, अगर टी इन्वर्टिबल है तो टी इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, टी अगर इन्वर्टिबल है तो टी इनवर्स भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. ये हमको प्रूफ करना है. अब लेते हैं प्रूफ. टी इज इन्वर्टिबल, टी इनवर्स, टी इज इन्वर्टिबल देन टी इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो मान लेते हैं इसमें टी इज इन्वर्टिबल, टी इज इन्वर्टिबल की बात हुई है. टी इज इन्वर्टिबल, टी इन्वर्टिबल है. एंड बीटा मान लिया बी में, बीटा बी का एलिमेंट है एंड अल्फा बिलोंग्स टू यू, और अल्फा यू का एलिमेंट है वो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज स्टार्टिंग में हो चुका है. देन टी अल्फा इक्वल टू होगा बीटा एंड टी इनवर्स बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा. ठीक है, हमको शो करना है, वी हैव टू शो दैट इनकी टी इनवर्स इज लीनियर. टी इनवर्स इज लीनियर, टी इनवर्स लीनियर है. वी हैव टू शो दैट, शो करना है कि टी इनवर्स इज लीनियर. ठीक है, देन हमने मान लिया अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग कर रहे हैं यू में, दो एलिमेंट है यू में बिलोंग कर रहे हैं. एंड ए भी बिलोंग कर रहा है फील्ड में, यानी कि उनका फील्ड उसका भी वही है, यू एंड वी दोनों का सेम फील्ड एक ही है, एफ ही है. तो उसका एलिमेंट ए एंड बी ही लिया जाएगा. अब बताती है कि यू के लिए, स्टार्टिंग के लिए यू के लिए टी क्या है. यहाँ पे टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं. ए अल्फा वन प्लस का वी अल्फा टू, ए बी फील्ड में है तो ए अल्फा वन बी अल्फा टू लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू हो जाएगा ए टी अल्फा वन प्लस का वी टी अल्फा टू. चूँकि टी इज़ लीनियर, टी यहाँ पे लीनियर है, चूँकि टी इज़ लीनियर, टी लीनियर था तो इसलिए इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बन गया है. ठीक है, अब बात आती है, हमको शो करना है. एंड बट फॉर बीटा वन बीटा टू, ये अल्फा वन अल्फा टू यू में माने हैं जैसे हमने, ऐसे ही बीटा वन बीटा टू ले लेंगे. बीटा वन बीटा टू बिलोंग्स टू बी. ठीक है, यू के अल्फा वन अल्फा टू यू के एलिमेंट है, ऐसे ही बीटा बीटा बी में बिलोंग कर रहा, अल्फा यू में बिलोंग कर रहा, तो बी के भी एलिमेंटों को हम दो मान सकते हैं, दो तीन जितने माने, तो दो से दो फंक्शन है तो दो से बराबर कराया जा सकता है. तो बीटा की जगह हम बीटा वन बीटा टू ले सकते हैं. ठीक है, आर यूनिक एंड अल्फा वन अल्फा टू किस में लाई कर रहा था, अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू यू. ठीक है, तो टी अल्फा वन इक्वल टू हो जाएगा बीटा वन, जैसे टी अल्फा इक्वल टू बीटा था देन टी अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन हो जाएगा. एंड टी इनवर्स बीटा इक्वल टू अल्फा था तो टी इनवर्स बीटा वन इक्वल टू अल्फा वन हो जाएगा. ऐसे ही टी अल्फा टू इक्वल टू बीटा टू एंड टी इनवर्स बीटा टू इक्वल टू अल्फा टू हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है टी जे वाला, टी अल्फा वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें. इसमें कोई इक्वेशन मान लें तो यहाँ से वैल्यू पुट की जा सकती है. टी अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन एंड टी अल्फा टू इक्वल टू बीटा टू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं. ठीक है, देन एंड तो ये कंडीशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा टी ए अल्फा वन प्लस का बी अल्फा टू इक्वल टू ए टी अल्फा वन था प्लस का बी टी अल्फा टू. ठीक है, तो टी अल्फा वन हो जाएगा बीटा, यानी कि ए बीटा वन प्लस का हो जाएगा ये बी बीटा टू, ए बीटा वन प्लस का बी बीटा टू. अब आगे ले सकते हैं कंडीशन, यानी कि ए अल्फा वन प्लस का बी बीटा टू, अगर इसका इन्वर्स ले लें ए अल्फा वन प्लस का बी अल्फा टू इक्वल टू हो जाएगा टी इन्वर्स ए बीटा वन प्लस का बी बीटा टू.
टी इनवर्स ए बीटा वन प्लस का बी बीटा टू। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास अल्फा वन की क्वांटिटीज है, अल्फा वन ये रहा टी इनवर्स बीटा वन एंड अल्फा टू की क्वांटिटीज ये रहा अल्फा टू इक्वल टू टी इनवर्स बीटा टू, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ए अल्फा वन की क्वांटिटीज है टी इनवर्स अल्फा वन एंड बी अल्फा टू की क्वांटिटीज है टी इनवर्स बीटा टू, इक्वल टू चला है टी इनवर्स ए बीटा वन प्लस का बी बीटा टू। तो यहाँ पे कंबाइंड बन चुका है, यानी कि कॉम्बिनेशन आ चुका है। तो टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इनवर्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, देन टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन टाइप हो गया, यानी कि इसका लीनियर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक फॉर्म। अब दूसरा ही इसमें एक ऐसी ही थ्योरम्स है, यानी क्वेश्चन टाइप समझ लीजिएगा, वो है हमारे पास। नेक्स्ट है, लेट टी वन वी एन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, टी वन वी एन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू एफ इंटू वी एफ, यानी कि फील्ड सेम है एंड U का भी फील्ड F है एंड B का भी फील्ड F है एंड T2 एन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T2 एन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम BF इंटू WF, BF इंटू WF, देन T2 T1 is invertible and T2 T1 का inverse equal to होगा T1 inverse and T2 inverse, ये हमको प्रूव करना है। T2 T1 invertible होगा and T2 T1 का होल ऑफ inverse equal to T1 inverse into T2 का inverse, प्रूव। T1 बी वी एन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमको पता है, पहले लेते हैं T2 T1 इज इन्वर्टिबल, जो हमको शो करना है T2 T1 इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो ये हमने ले लिया बी टू सो दैट, हमको शो करना बी हैव टू सो दैट एंड बी सेल्फ सो दैट वन वन एंड वन टू ये इन्वर्टिबल है, इफ तो क्या हो जाएंगे, वन वन होगा एंड ओन टू भी होगा। ठीक है, इसको वन वन एंड ओन टू दोनों शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताती है कि मान लेते हैं अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू यू, ये यू के एलिमेंट है एंड बीटा वन बीटा टू तो बी के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ से अल्फा वन अल्फा टू माना है, तो सपोज टी टू टी वन अल्फा वन की बात करते हैं तो यह हो जाएगा टी टू टी वन अल्फा टू, टी टू टी वन अल्फा वन इक्वल टू टी टू टी वन अल्फा टू। तो टी टू इज़ वन वन एंड टी वन इज़ वन वन, अगर ये वन वन लाई कर रहे हैं, अल्फा वन अल्फा टू दोनों ही यू में लाई कर रहे हैं, तो टी टू टी वन ये अगर ये इन्वर्टिबल है, वन वन है एंड ओन टू है, तो टी टू टी वन अल्फा वन इक्वल टू होगा टी टू टी वन अल्फा टू, यानी वन वन ओन टू दोनों कंडीशन है। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाई जा सकती है टी टू टी वन अल्फा वन इक्वल टू टी टू टी वन, ये इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं और इसको भी ब्रैकेट में ले सकते हैं, यहाँ पे टी टू को बाहर करें टी वन अल्फा वन इस तरह से लिख सकते हैं टी टू, ये हो गया टी वन अल्फा टू, चूँकि अल्फा वन अल्फा टू के बराबर है तो ये हो जाएगा टी वन अल्फा वन इक्वल टू टी वन अल्फा टू। टी वन अल्फा वन इक्वल टू, ठीक है टी वन अल्फा टू आ गया है, टी वन अल्फा टू तो टी वन अल्फा टू इक्वल टू टी वन अल्फा वन, यानी कि टी वन अल्फा वन इक्वल टू टी वन अल्फा टू, यहाँ से अगर इससे और ये कैंसिल करें टी वन अल्फा वन इक्वल टू टी वन अल्फा टू। क्यों हुआ ऐसा,
क्योंकि टी टू इज वन 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 एंड टी वन इज वन वन, ये भी वन वन है, ठीक है, वन वन एंड ऑन टू दोनों कंडीशन थी, तो टी वन एल्फा वन इक्वल टू टी वन एल्फा टू रखना पड़ा, देन ये कंडीशन आप उसमें बराबर आ चुका है, देन एल्फा वन इक्वल टू आ जाएगा एल्फा टू, एल्फा वन इक्वल टू एल्फा टू आ जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन तो वेरा ही हो गया, यानी कि टी टू टी वन इज वन वन, टी टू टी वन इज वन वन, तो ये वन वन प्रूफ हो चुकी है ना, दोनों ही वन वन प्रूफ हो चुकी है, पहले एक बार टी टू वन वन था यहाँ पे यूज़ हुआ, टी वन 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 तो ये कैंसिल हो गई, ये यूज़ हुआ, तो दोनों अलग 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 वन वन थे और इनका कम्बाइंड यानी कि टी टू टी वन भी वन वन हो चुका है। अब क्या दिखाना है, इनको ओंटो दिखाना है, क्योंकि हमारे पास टी वन एंड टी टू, टी वन एंड टी टू विंग ओंटो, ठीक है, ये अगर ओंटो हैं तो बीटा बिलोंग्स टू बी, हमारे पास एक एलिमेंट है अल्फा बिलोंग्स टू यू, अल्फा यू में बिलोंग कर रहा है, एंड टी वन अल्फा वाई इक्वल टू होता है बीटा, एंड गामा एक अदर एलिमेंट मान लेंगे बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, कुछ डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू में फील्ड दे रखा है, तो कुछ नया एलिमेंट वहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है, बी एंड डब्ल्यू, बी जो है डब्ल्यू में इंटो कर रहा था, तो कुछ एलिमेंट डब्ल्यू में मानना पड़ेगा, गामा हमने मान लिया, ठीक है, अगर गामा यहाँ पे माना गया है तो यूनिक एलिमेंट जो यानी कि बीटा बिलोंग्स टू बी एंड टी टू बीटा इक्वल टू होगा गामा, ये टी वन एल्फा इक्वल टू बीटा एंड टी टू बीटा इक्वल टू टी टू बीटा इक्वल टू गामा होगा, तो यानी कि गामा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है एंड बीटा बिलोंग कर रहा है बी में, सच दैट गामा इक्वल टू होगा टी टू बीटा, यानी अल्फा बिलोंग्स टू यू, सच दैट गामा इक्वल टू टी टू टी वन एल्फा, एंड अल्फा बिलोंग्स टू यू, तो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है अल्फा बिलोंग्स टू यू, सच दैट गामा इक्वल टू टी टू टी वन एंड अल्फा, और टी टू टी वन ऑनटो एंड टी टू टी वन इनवर्टिबल, चूँकि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है इनवर्टिबल आ चुका है, टी टू टी वन इज ऑनटो एंड टी टू टी वन इज इनवर्टिबल, टी टू टी वन ऑनटो एंड टी टू टी वन इज इनवर्टिबल, यानी ऑनटो भी हो चुका है एंड इनवर्टिबल भी हो चुका है, अब हमको शो करना है इसका इनवर्स, यह हमको शो करना टी टू टी वन का इनवर्स इक्वल टू टी वन इनवर्स एंड टी टू इनवर्स, ये कंडीशन लानी प्रूफिंग में, तो पहले लेते हैं टी टू टी टू टी वन एंड ब्रैकेट है टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स इक्वल टू टी टू, इसको अंदर मल्टीप्लाइंग दे देंगे टी वन एंड टी वन इनवर्स एक साथ कर देंगे टी वन एंड टी वन इनवर्स एंड टी टू इनवर्स, टी वन एंड टी वन इनवर्स यानी कि आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यानी कि वन हो जाएगा, आइडेंटिटीज यानी आई ले सकते हैं एंड टी टू इनवर्स यानी कि टी टू आइडेंटिटी वन होगा टी टू इनवर्स, तो ये भी आइडेंटिटीज यानी वन हो जाएगा, टी टू टी वन इंटू टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटीज, देन इसको ट्रांसफॉर्म करें, ये तो इधर रखा ही है इसको उधर ले आए तो उसका हो जाएगा इनवर्स, यानी कि टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी अपॉन टी टू टी वन, तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगा टी टू इनवर्स टी वन इनवर्स टी टू इनवर्स इक्वल टू टी टू टी वन का इनवर्स, ठीक है, यानी कि टी टू टी वन का इनवर्स इक्वल टू टी वन इनवर्स एंड टी टू टी वन का इनवर्स इक्वल टू टी वन इनवर्स इंटू टी टू का इनवर्स, ठीक है, टी टू टी वन इनवर्स इक्वल टू टी वन इनवर्स एंड टी टू इनवर्स, तो ये कंडीशन आ चुकी है टी टू टी वन इज इन्वर्टिबल एंड इसका इनवर्स इज ये प्रूफिंग हो चुका है।